ये अपने देहरादून से हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने मंथली रेंट पर दिया हुआ है। तो आज उनसे जानेंगे कि ये मंथली रेंट पर उनको कैसा लगा और कैसे हमारे रूम्स हैं, कैसा हमारा किचन बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नई दिन की नई शुरुआत के साथ आइए आपको ले चलते हैं आज एक नई वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये है हमारा न्यू रेड हाउस जो आपको सामने नज़र आ रहा है। हमारा ये है न्यू रेड हाउस। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये अपने देहरादून से हमारे गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको हम लोगों ने मंथली रेंट पर दिया हुआ है। तो आज उनसे जानेंगे कि ये मंथली रेंट पर उनको कैसा लगा और कैसे हमारे रूम्स हैं, कैसा हमारा किचन बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं आज अपने होम स्टे के बारे में कि उनको हमारा होम स्टे कैसा लगा। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊं कि हर एक कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी होती है, हर एक छोटी सी कामयाबी के पीछे काफ़ी बड़ी मेहनत छुपी हुई होती है। तो जो भी लोग पूछते हैं कि आपने यहाँ कैसे बनाया, क्या बनाया, तो मैंने इस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बना रखी हैं, वो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आइए मिलाते हैं आज आपको अपने गेस्ट से जल्द ही। तो ये है हमारे होम स्टे का सामने का व्यू और अनार भी लगे हुए हैं, और ये आता है हमारा पूरा होम स्टे। ये देखिए, सामने हमारा होम स्टे है और आइए ले चलता हूँ मैं आपको। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो सिंगल रूम हमारा, ये रूम अभी खाली है, उसके बाद ये रूम हमारा अभी बुक है। अभी 15 तारीख तक का हमारा ये रूम बुक है, और उसके बाद ये रूम है अभी हमारा 1 महीने के लिए बुक, यानी कि ये भी अभी बुक है 1 महीने तक के लिए। और धूप भी आ गई है दोस्तों, एक तरफ धूप है तो एक तरफ पूरी। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी रिवर बहती हुई आ रही है और यहाँ पर होता है पानी स्टॉक। और ये है सामने हमारा पूरा गार्डन। तो ये इसमें आड़ू, सेब, खुमानी, ये सारा हमारा इधर का पूरा बगीचा है। आइए दोस्तों, आपको मिलाता हूँ आज अपने गेस्ट से और जो आए हुए हैं देहरादून से, तो उनसे मिलाता हूँ कि उनको कैसे पता चला कि ये होम स्टे जिसमें किचन बन गया है, तो कैसे पता लगा और उनको कैसा लगा। तो पूरी जानकारी उनसे ही पूछते हैं, उनके पास जाकर। और आज आपको इस वीडियो से कैसा लगा आप भी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार अर्जुन जी, कैसे हैं आप? सर, हम एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? आप बताइए सर। सब बढ़िया, अच्छा। मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छी। तो सर, कैसा लगा आपको हमारा होम स्टे? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से आपने बनाया है। इसमें सभी सुविधाएं हैं, नॉर्मली होम स्टे में नहीं होती, पर आपने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट बाहर से आ रहे हैं उन्हें पूरी सुविधा भी मिले। बहुत ही अच्छा लग रहा है, नेचुरली एनवायरनमेंट में, सामने बिल्कुल आपका बगीचा है, आड़ू का, नदी बह रही है छोटी सी, साथ में नदी भी है। तो सर, आपको अच्छा लगा? मतलब बहुत ही बढ़िया लगा यहाँ आके, हम लोग काफ़ी समय से आ रहे हैं यहाँ। अच्छा, और आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है गेस्ट के लिए, जो आपने लाइन लिखी हुई है वहाँ, अतिथि देवो भव, तो वास्तव में महसूस होता है। कोई भी हम बात कहते हैं इनसे, तुरंत उसको पूरा कर देते हैं कि अर्जुन जी जरा ये नहीं है, तो तुरंत वो चीज़ पूरी हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और बिल्कुल घर जैसा माहौल, अब तो आपने हमें किचन भी दे दिया बना के, कुछ कहेंगी? कैसा लगा आप बताइए। मैं बढ़िया लगा, बस किचन होनी चाहिए, तो किचन अब तैयार हो गई हमारी, तो आपको खीर हमने खिलाई दी थी पहले दिन बना के। अच्छी है, तो किचन आपने पूरा सेट कर लिया एकदम से? सेट हो गया। चाहो तो दिखा सकते हैं सर। हाँ, दिखाते हैं कि कैसा किचन सेट कर रखा है। सेट हो ही रहा है वैसे धीरे धीरे, तो अभी ये हल्की फुल्की सेट हुई है। अच्छा, यहाँ पर स्टैंड भी आ गया है? स्टैंड आ गया अभी, अब कपड़े बर्तन मिले ना, स्टैंड में रखे जाएंगे थोड़े। गैस वगैरह सब, गैस वगैरह सब हो गई है, खाना वाना पक रहा है अच्छे से। आपके पहाड़ी आलू जो मिल रहे हैं स्वादिष्ट वाले, लोकल सब्जियाँ, लोकल सब्जियाँ मिल जा रही है आपको? सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, ताजी ताजी। आपके बगीचे की, आपके खेत की हम खा रहे हैं। आपके खेत के आलू हैं, टमाटर हैं, आड़ू यहाँ अभी खत्म हुए हैं, और इनके खेत में भिंडी हैं, बैंगन है। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि यदि आप जीवन में कुछ अच्छा क्षण बिताना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ आएँ। बल्कि हम तो यहाँ, एक्चुअली हमने यहाँ प्लॉट लिया है और हम यहाँ लंबे समय तक रहने वाले हैं अर्जुन जी के होम स्टे में, दी नेचर फील होम स्टे में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी कहा कि यार पहाड़ में बड़ी मुश्किलें होती हैं, कहाँ रहोगे, तो रहना ही है तो कुछ दिन किराए पर रह लो जाके,
तो दोस्तों मैं ये भी कहूँगा आपको कि पहाड़ में घर बनाना, प्रॉपर्टी लेना वाकई में मुश्किल होता है, तो आप अपना अपना जो शौक है वो भी आप किराए के घर में, जैसे अर्जुन जी ने यहाँ तैयार कर रखा है, अर्जुन जी ने यहाँ बिल्कुल आपको बना के दे रखा है, सब कुछ बढ़िया, रूम्स हैं, वॉशरूम है, किचन है, तो आप अपने जीवन का वो क्षण भी पूरा कर सकते हैं पहाड़ में रहने का। जी थैंक यू सर। आपको हमने जैसे हमने आपको क्या क्या सुविधाएं देखी और क्या रेंट देखो, रेंट कुछ ज़्यादा या कुछ कम सर आप बता दीजिए। रेंट है 18,000, यहाँ को देखते हुए कम लगता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है घरों की, मकानों के किराए पे, और हमें 18,000 इन्होंने थोड़ा कंसिडर किया, हमें डिस्काउंट किया, और वाईफाई भी लगवा दिया हमारे लिए, गीज़र लगे हैं पहले से ही, बाकी और जो छोटी मोटी चीज़ होती वो भी इन्होंने सब पूरा कर दिया है, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ। थैंक यू। ये 18,000 में किचन भी ऐड है ना? सब कुछ किचन अच्छा सब कुछ है, किचन में इनका बहुत पैसा खर्च हुआ इनफैक्ट है किचन बनाने में, लेकिन चलिए इन्होंने हमें थोड़ा सा डिस्काउंट किया, हमें अच्छा लग रहा है। और ये किचन तो हमने स्पेशल मतलब आपके लिए ही तैयार किया है, किचन की आप आने वाले हैं तो इसलिए, और जो हमारे मतलब की बेड वगैरह सब कुछ सही है ना? बहुत बढ़िया सर, बेड बेडशीट ब्लैंकेट जो दिए हैं। और मैं कहना चाहूँगा इनका चैनल भी है उत्तराखंड टूर UK, जरूर उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और शेयर भी करें, जिससे और लोगों को पता चले कि भाई इतनी अच्छी जगह रामगढ़ तल्ला में है, आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपको जो मैं दिखाने वाला था और वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं आज, और जो हमारे गेस्ट हैं देहरादून से हैं सर, और सर का तो खास से और हम लोग की मुलाकात कैसे हुई थी सर बता सकते हैं? हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे। हमने चूंकि रामगढ़ में हम आते रहते थे, देखते रहते थे, हम लोगों ने देखा कि भाई कोई YouTube चैनल है उत्तराखंड टूर UK, तो हम YouTube के माध्यम से ही यहाँ इनसे जान पहचान हुई है। तो हम लोग YouTube के माध्यम से मिले, यानी कि सोशल मीडिया काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है आज। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, सब कुछ मिल जाता है जो भी आप चाहते हैं। जी हाँ, तो सर से हमारी मुलाकात हुई थी YouTube के माध्यम से, और YouTube के माध्यम से देखते सर आज यहाँ पर हैं, और हम लोगों ने क्या था कि यहाँ पर बारिश में पानी आ जा रहा था, तो हम लोगों ने एक शॉर्टकट टेम्परेली कह सकते हैं और वैसे परमानेंट भी कह सकते हैं कि शेड बना रखा है हम लोगों ने, तो ये बना रखा हमने बांस के डंडों से, इधर ये बांस के डंडे लगे हुए हैं और इसमें हमने ग्रीन सीट लगा रखी है जाली, यानी कि फिर उसके अंदर से पॉली सीट और फिर उसके ऊपर से जाली, तो दिखने में जी सर हाँ बारिश से बिल्कुल पानी अंदर नहीं आता। तो सर पानी अब तो अंदर नहीं आ रहा ना बिल्कुल? आपने कर दिया इंतजाम बढ़िया, थोड़ा सा मतलब सुविधाएं हो गई है। नहीं अच्छा, हमारी बेटी भी है ना, तो हमारे अंदर है भी। अरे लिखो अच्छा लिखो, तो कोई भी नहीं, रेस्ट कर रहे हैं अभी फिर। तो सर आज और तो सर के साथ जाने वाले हैं आज हम सर के ही प्लॉट पर, तो वहाँ भी जाके आते हैं, देखते हैं कि कैसा घर बनने वाला है, क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं होने वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आज पूरी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो में। वीडियो आएगा फिर हम दिखाई देंगे आज वो। निकू को कैसा लग रहा है बताओ, कैमरे में देखिए कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है मुझे, जो एक्चुअली अच्छा लग रहा है। हमारी बेटी है निक्की जो हमारे साथ रहती है तो सर लोगों की फैमिली है, सर लोगों को हमने दिए हैं एक ये रूम दे रखा है, एक उधर रूम है, दो रूम है विद किचन हुआ है। सर मतलब कि जेन्युइन बात बताना कि किराया अगर डेली वेज के हिसाब से देखें तो कितने रुपए है? आप इसका डेली लगाते हैं तो मेरे हिसाब से जो मिनिमम से मिनिमम, वैसे तो 2,500 पर डे होता है रूम का, पर हम 1500 भी लगा लें तो 3,000 रुपये डेली बैठता है दोनों कमरों का, तो 90,000 रुपये महीना बैठता है देखा जाए कॉमर्शियली। पर चूंकि अर्जुन जी अच्छे इंसान है, बहुत कम प्रॉफिट पे काम करते हैं, और चूंकि हमारी तो किचन स्टार्ट हुई है, अदरवाइज हम इन्हीं का खाना इनके किचन से ही खा रहे थे, बहुत बढ़िया खाना है, ऑर्गेनिक मसाले, घर की दाल, घर की आपके मिर्च हल्दी सब घर का ही है, तो आप लोग जब यहाँ आएंगे तो इनके घर के खाने का भी एंजॉय करेंगे। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब आगे को, और आपको एक बार और दिखाऊंगा कि होम स्टे कैसा दिखने वाला है, थोड़ा सा दूर से एक बार व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारा जो होम स्टे से सामने का व्यू है, देखिए होम स्टे के सामने में भी खड़ा हूँ मैं, तो हम लोगों ने इस तरह से होम स्टे को बनाया है, अभी इस पर बाहर पेंट नहीं हुआ है इस वॉल पे, ये किचन बना रखा हम लोगों ने, इस पर ऐड कर रखा है, और बाकी हम लोगों ने इस पर टेम्परेली आगे से हम लोगों ने जो पानी से बचाव के लिए हम लोगों ने ये चीज़ बनाई हुई है, तो ये देखिए, और यहाँ पर हमारा होम स्टे यहाँ से इस तरह का दिखता है ये। इस तरह से हमारा होम स्टे आपको दिखेगा और इस तरह यहाँ पर व्यू नज़र आएगा आपको।